ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय रुपया एक डॉलर के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका है, यानी 80 रुपए का एक डॉलर आजकल चल रहा है। तो इस भारत के रुपए कितना भी नीचे गिर जाए, बस सुधीर चौधरी से ज्यादा नहीं गिर सकता। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया के टॉप दलाल सुसु चौधरी के बारे में। लोग इनको प्यार से तिहाड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये तिहाड़ रिटर्न है ना। गाइस मैं तुम लोग बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी और इसी जॉइन में एक सिमिलरिटी है, पता है क्या? दोनों ही नंगे हैं। एंड पता है सुधीर चौधरी कोर्स तो जर्नलिज्म के किया है, बट ये करते दलाली हैं। एंड इनकी दलाली के टैलेंट देख के विपक्ष के पार्टियां ने इनको बाइकआउट कर दिया, और जब से बाइकआउट किया है यही बोलते रहते हैं। अब बात यह है कि क्या यह भारत के मीडिया के लिए सही है? गैस में सुधीर चौधरी बस यही कहना चाहूंगा, देश की मीडिया को छोड़ो, बट आपका बाइकआउट करके इन्होंने बिल्कुल सही किया है। गैस में सच बताओ तो सुधीर चौधरी बहुत ही टैलेंटेड है, बस इनको पत्रकारिता नहीं आती। एनीवे चलो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हम पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं और एक न्यूज एंकर हूं। और गैस अच्छा है कि सुधीर चौधरी ने खुद बता दिया कि ये पत्रकार है, नहीं तो मैं तो इन्हें कुछ और ही समझ रहा था। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिवलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा। नहीं, मैं ट्रिवलाइज नहीं कर रहा, मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो गाइस तुम देख सकते हो कि सुधीर चौधरी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है यार, ये सवाल टमाटर के दामों को लेके पूछ रहे थे और जवाब तिहाड़ के रूप में मिल रहा है। जो इसराइल एक विक्टिम था, आज उसी इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में करोड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे देश कोई भी हो। हमारे तो गाइस सुधीर चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इजराइल विक्टिम है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन को ऑक्यूपाइड कर लिया, उनको घरों से निकाल के मार रहा है दशकों से। जो भी हो गाइस, इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ यार। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये गाजा है, गाजा पट्टी 350 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 365 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का, इतनी सी जगह है। अब ये देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि यहां के लोग फंस गए हैं, असल में एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ इजिप्ट का बॉर्डर है और तीसरी तरफ समुद्र है। तो गाइस अभी सुधीर चौधरी ने बताया कि गाजा पट्टी तीन तरफ से घिरा हुआ है, बट ये बताना भूल गए कि इसमें इसराइल चारों तरफ से बमों की बारिश कर रहा है, जिसमें अभी तक 4,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ 1,300 से ज्यादा बच्चे थे। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि इसराइल विक्टिम है। आज जब दुनिया के तमाम लोगों को एकजुट होकर हमास के हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, तब दुनिया के करोड़ों लोग इजराइल से नफरत कर रहे हैं, जबकि इजराइल अपने कई नागरिकों की जान गंवाने के बाद भी गाजा पट्टी के आम नागरिकों की चिंता भी कर रहा है। गाइस मैं सुधीर चौधरी को बताना चाहूंगा, लोग हमास के नहीं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, एंड इजराइल को गाजा पट्टी के लोगों की इतनी ज्यादा चिंता है कि वो उन पे लगातार बमों और मिसाइलों से हमला कर रहा है। हे गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग यार।